हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एस्टर 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि सभी को पता है 3 और 4 दिसंबर को एग्जाम होगा। बहुत ही कम समय बचा है आपके पास प्रिवेशन के लिए, लगभग 20 डेज ही बचे हुए हैं। और देखिए, इस बार आपको एस्टेट का एग्जाम करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो वैकेंसीज आई हैं 100% चांसेस हैं इन बच्चों को भी चांस मिलेगा जो इस बार एस्टेट का एग्जाम क्वालिफाई करोगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, भाई इस मौके को हाथ से ना जाने दें। 10 साल में वैकेंसीज आई हैं, पता नहीं वैकेंसीज कब देखने को मिले, तो इस बार एस्टेट का एग्जाम जरूर क्वालिफाई करें। अभी आपके पास 20 दिन बचे हैं। अगर आप 20 दिन अपना टारगेट सेट करके पढ़ते हो तो यकीन मानिए 20 दिन भी काफी है एस्टेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। आज की इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ, हाउ टू क्रैक एस्टेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन प्रिपेयर विद इन 20 डेज। 20 दिनों की तैयारी में भी आप एस्टेट का एग्जाम पास कर सकते हो अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हो जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो यकीन मानिए आपका स्कोर 90 से प्लस रहेगा, 100+ आप स्कोर करने वाले हो एस्टेट के एग्जाम में। जैसा कि सभी को पता है 3 से 4 दिसंबर को एग्जाम होगा, ठीक है। 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है और 150 मार्क्स के ही जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीनों ही लेवल पे, PRT, TGT, PGT तीनों ही लेवल पर 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है। देखिए, अगर आप 90 मार्क्स लाते हो जर्नल के अंदर, ठीक है, अगर आप 90 मार्क्स लाते हो जर्नल के अंदर तो जो एग्जाम है आपका क्वालिफाई माना जाता है। एग्जाम क्वालिफाई नेचर का होता है स्टेट का। 90 मार्क्स अगर आप लाते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए, ठीक है। जो आपका स्क्रीनिंग का पेपर होगा वहां पे आप एलिजिबल हो जाओगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो 90 मार्क्स चाहिए आपको जनरल के अंदर, और एससी एसटी वालों को इससे कम चाहिए, उनको छूट दी जाती है, वो 82-83 पर पास हो जाते हैं। बट आपको अपना टारगेट 90 नहीं रखना है। 90 मार्क्स भले ही आपको क्या है पास करा दे, ठीक है, आपको 90 मार्क्स चाहिए एलिजिबल होने के लिए, लेकिन आपको अपना टारगेट ज्यादा रखना है। कोई भी एग्जाम दो, पासिंग मार्क्स आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट उससे ज्यादा ही होना चाहिए, तब जाके आप क्या है एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। तो जो है आपका टारगेट 120+ होना चाहिए, ठीक है। 120 का आपको टारगेट लेके चलना है, 90 मार्क्स आपको एलिजिबल होने के लिए चाहिए। देखो, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा सिलेबस, यहाँ पे मैं सिलेबस एक बार फिर से बता देती हूँ। 150 का पेपर होता है जिसमें आपका जो 90 मार्क्स का पेपर होता है वो कॉमन रहता है तीनों ही लेवल के लिए। PRT, TGT, PGT तीनों ही लेवल पे 90 मार्क्स का पेपर कॉमन होता है। कैसे होता है, यहाँ पे CDP आती है 30 मार्क्स की, ठीक है। और देखो, CDP जो होती है PRT लेवल पे थोड़ी इजी पूछी जाती है, ठीक है, बट TGT और PGT में उसका जो लेवल होता है वो एक्सटेंड हो जाता है। वहां पे TGT में इतना नहीं होता, जहां PGT में उससे भी हाई हो जाता है। क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई एस्टेट के एग्जाम में CDP साइकोलॉजी से। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है CDP साइकोलॉजी की। ये भी बताऊंगी कि आपको कहाँ से पढ़ना है, आप जो लास्ट टाइम बचा है किस तरीके से तैयारी करनी है, बुक खरीदनी है या फिर यूट्यूब चैनल से पढ़ना है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, बने रहे वीडियो पे। उसके बाद आपकी 15 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है, इसी तरीके से 15 मार्क्स की आपकी हिंदी पूछी जाती है। 30 की ये हो गई, 30 का ये हो गया, कितना हो गया आपका 60, तो 60 मार्क्स ही हो गए। इसी तरीके से 10 नंबर की आपकी हरियाणा जी के 10 नंबर, रीजनिंग 10 नंबर और मैथ, ठीक है, मैथ पूछा जाता है 10 नंबर, तो ये 30 मार्क्स के हो गए। ये आपके तीनों 90 मार्क्स के होते हैं तीनों ही लेवल पे, और ये क्या है आपका पासिंग मार्क्स भी होते हैं 90 मार्क्स। तो सीधी सी बात है भाई, कहने का मतलब यही है, अगर आप इन चीजों पर भी फोकस कर लेते हो, ठीक है, CDP इंग्लिश हिंदी हरियाणा GK मैथ रीजनिंग, तो 90 मार्क्स तो आपके यही हो जाते हैं। यहां से अगर आप 60 मार्क्स भी ले लेते हो, ठीक है, 60 मार्क्स भी गेन कर लेते हो, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एस्टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना, और इजिली आप ही जाते हैं। यहाँ पे देखो, CDP के लिए तो मैंने आपको बता दिया, CDP तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि CDP का अच्छा खासा लेवल होता है, ठीक है, बट CDP इतनी भी टफ नहीं होती कि आप ना कर पाए। चीजों को समझने की कोशिश करें, कंसेप्ट अपना क्लियर करें। अगर एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, एग्जामिनर क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा ले, आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है। और देखो, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी बहुत ही बेसिक पूछी जाती हैं। अगर आप 9th-10th की ग्रामर भी कर लेते हो हिंदी और इंग्लिश में, तो आप इजिली कर पाओगे, ठीक है। साथ में ये भी बताऊंगी कि चैनल कौन सा फॉलो करना है हिंदी इंग्लिश के लिए। और देखो, हरियाणा जी के
मैथ और रीजनिंग बहुत ही बेसिक पूछी जाती है, क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ही बेसिक आपकी रीजनिंग पूछी जाती है तो आप इजिली कर लोगे, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश के लिए मैं बता दूं, अगर हिंदी इंग्लिश आपको करनी है तो आप बुक खरीदनी है तो 9th-10th की आप क्या है बेसिक ग्रामर की बुक कर लीजिए, वहीं से आपकी कवर हो जाएगी। और सबसे पहले आपको क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से उठाए गए हैं, किस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो टॉपिक आपको करने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहते हैं। 10-12 टॉपिक ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर उन्हीं को रिपीट करता है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें इस टाइम पे जब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, ठीक है। अपना कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं ज्यादा से ज्यादा। अगर आप हिंदी इंग्लिश, ठीक है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, मैथ रीजनिंग और हरियाणा जीके, इनमें आपको कुछ नहीं करना। अब जो आपके पास टाइम बचा है आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और जो टॉपिक आपका नहीं हुआ है उस टॉपिक को अपना यूट्यूब चैनल से अच्छे से क्लियर करें। अगर आपके पास टाइम है तो उस टॉपिक के नोट्स बना लें जो आपको टफ लगता है, बाकी जो इजी लगता है, ठीक है, आपने पहले कर रखा है उसकी आप प्रैक्टिस करें। प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और सीडीपी साइकोलॉजी के लिए ऐसा कि सभी को पता है अब जो चैनल है अचीवर एकेडमी वहां से आप कर सकते हो, बाकी मैंने भी स्टार्ट किया हुआ है एग्जाम ओरिएंटेड करा रही हूँ, सीडीपी के लिए सीरीज स्टार्ट की हुई है एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल एस्टेट के हिसाब से, ठीक है। तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, मैं आपकी कंप्लीट जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सीडीपी साइकोलॉजी के वो आपको कराने वाली हूँ 1x1, ठीक है, नोट्स के थ्रू आपको कराऊंगी, जिससे क्या है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपकी चीजें एकदम से माइंड में फिट हो जाएंगी, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, एक बार पढ़ के जरूर देखें। बाकी अचीवर एकेडमी मैंने बता दिया है, आप जो बुक आपके पास है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लास्ट टाइम पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सीडीपी हो गई, ये सारे हो गए, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। देखो हिंदी इंग्लिश के लिए मैं बता दूं, अगर आप, ठीक है, अगर आप बुक भी नहीं ले रहे हो, आपको लगता है कि हमारी हिंदी इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है, तो मैं बेस्ट चैनल बताने वाली हूँ, ध्यान से सुन ले। एक चैनल है, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से चैनल है, बहुत ही अच्छे पढ़ाती हैं, रूपाली मैम हैं, बहुत ही अच्छे से हिंदी कराती हैं। एमसी क्यूब्स वीडियोस आपको देखनी है, कंसेप्ट वाली नहीं देखनी है, उन्होंने एमसी क्यूब्स 100+ एमसी क्यूब्स की टॉपिक वाइज वीडियोज डाली हुई है, आपको वो देखनी है। 15 से 20 एमसी क्यूब सॉल्व करोगे, उन्हीं से आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जैसे कि वाच्य हो गया, संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, ठीक है, अलंकार हो गए, तो अलंकार तो नहीं पूछे जाते हैं 50 मार्क्स की, जिनकी 60 मार्क्स का पेपर होता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, वहां पे पूछा जाता है। तो बाकी आप वो चैनल जरूर फॉलो करें, बहुत हेल्प होने वाली है। इसी तरह से आप ग्रामर के लिए भी, इसी तरह से आप इंग्लिश ग्रामर के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हरियाणा जीके के लिए कोई भी एक मैराथन कर ले अच्छी सी, बाकी मैंने सीटी की तैयारी कराई थी जिसपे मैंने हरियाणा जीके की 2-3 मैराथन डाली थी, उनसे बच्चों को बहुत हेल्प मिली थी, कमेंट भी आए थे, तो आप वो वीडियो भी देख के चले जाते हैं। कंप्लीट हरियाणा जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिविजन कराया हुआ है, लगभग 5000+ क्वेश्चन कराए हुए हैं, अगर आप वो वीडियोज भी देख के चले जाते हैं तो 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, 10 में से 9 नंबर की गारंटी लेती हूँ, ठीक है। और बाकी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, मैराथन क्लासेस हैं, अगर आप वो फॉलो भी करते हैं तो आपकी इजली हो जाएगी। ज्यादा डिटेल में हरियाणा जीके नहीं पूछी जाती है, स्टेट के एग्जाम में बहुत ही बेसिक पूछी जाती है, आप इजली कर लोगे भाई, ठीक है। तो हरियाणा जीके आपको वहां से कर लेनी है। अब बचा भाई आपका सब्जेक्ट, पीआरटी लेवल पे 30 मार्क्स की मैथ आती है सब्जेक्ट में, और 30 मार्क्स की इन्वायरमेंट आती है, ठीक है, ईवीएस आती है। और देखो टीजीटी और पीजीटी में जो भी उनका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है बच्चों का, तो उस सब्जेक्ट से उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो के लिए उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है देना। और देखो जो भी बच्चा अपने सब्जेक्ट में देगा, तो सब्जेक्ट में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं अपनी कमांड होती है तो उनको टेंशन है ही नहीं अपने सब्जेक्ट की। बाकी अगर किसी का अच्छा सब्जेक्ट नहीं भी है तो क्या करना है, ठीक है, ध्यान से सुनना, 6-8 ये तो टीजीटी को फॉलो करना है भाई, ठीक है, टीजीटी वालों को 6-8 की एनसीईआरटी करनी है, ठीक है, एनसीईआरटी वो अच्छे से कर लेते हैं, जैसे कि हिंदी हो गई तो हिंदी के लिए 6-8 की एनसीईआरटी कर ले। लास्ट टाइम में जो भी राइटर हैं उनके नाम, उनकी स्टोरी वगैरह वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली उठाए जाते हैं, डायरेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, तो वो कर ले। पीजीटी के लिए 6 से स्टार्ट करनी है, 6 से तो बहुत ही कम पूछा जाता है, बाकी 8 से स्टार्ट करना, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 5 क्लासेस की आप बुक्स करें जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की, तो आपका इजिली 60 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा इजिली कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जब आप देखो यहीं पे आप 60 मार्क्स ले लेते हो तो आपको जो है सब्जेक्ट में
30 मार्क्स चाहिए, ठीक है। अगर आप 30 मार्क्स ये और 60 ये, बाकी यहाँ पे आपको प्लस ही स्कोर रखना है। ऐसा नहीं है कि हाँ आप 60 ही मार्क्स ले पाए, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें बेसिक पूछी जाती हैं। सीडीपी में भी आप 25 प्लस स्कोर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सीडीपी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्यादा उठाए जाते हैं। लास्ट टाइम पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अभी तक आपने कोई बुक नहीं खरीदी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक खरीदें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, और आपको अपना जो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है उस कंसेप्ट की आपको वीडियो देखनी है, वो टॉपिक आपको करना है, ठीक है। तो सीडीपी हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। ये 90 मार्क्स का होता है भाई, अगर 90 में से आप 60 भी ले लेते हो तो भी आपका इजिली एग्जाम क्रैक हो जाएगा और 30 मार्क्स आपके सब्जेक्ट से आ जाएंगे, ठीक है। 60 और 30 ये 90 हो जाते हैं, बाकी आपको टारगेट अपना 120 का रखता है। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो ये नहीं है, आप इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी में बता रही हूँ, 15 में से 14 नंबर ले सकते हो, इजीली ले सकते हो जब आप हिंदी ग्रामर करोगे, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, हिंदी ग्रामर बहुत इजी पूछी जाती है, इसी तरीके से इंग्लिश पूछी जाती है, हरियाणा जीके बहुत इजी पूछी जाती है, ठीक है। उसमें आपका ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होता, हरियाणा जीके में मैथ भी बहुत ही आसान पूछी जाती है उसमें, कॉमन नंबर में, और 10 नंबर की रीजनिंग अगर आप 4 से 5 टॉपिक भी कर लेते हो तो इजीली जो है, और रीजनिंग में आप क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे तो इजीली 10 में से 10 नंबर ले सकते हो रीजनिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 60 प्लस स्कोर इजीली हो जाएगा, बाकी अब 30 आपका सब्जेक्ट से हो जाएगा, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कीजिए, लास्ट जो आपके पास 20 दिन बचे हैं इस स्ट्रेटजी के साथ हिसाब से पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, जितना भी आप टाइम दे रहे हो अपनी स्टडी को कंटिन्यूसली लगे रहिए। 3 से 4 घंटे अगर आप कंटिन्यू देते हो अपनी पढ़ाई को तो आप इजीली क्रैक कर लोगे। एस्टेट का एग्जाम इतना बड़ा भी एग्जाम नहीं है कि आप ना कर पाए, कंटिन्यूसली लगे रहिए, आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। वीडियो कैसी लगी है जो है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।